जो थर्ड एनालिसिस है सेफ में, वो आपका डेंटल एनालिसिस होता है। डेंटल एनालिसिस में बेसिकली आपने ये पता करना होता है कि जो आपके इंसाइजर्स हैं उनकी क्या जो है प्रोक्लाइंड है, नॉर्मल है या रेट्रोक्लाइंड है कंपेयर टू बेस ऑफ द स्कल या अपने अपने मैक्सिला और मैंडिबल के अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली आपने सिर्फ दो लाइंस लगानी होती हैं और उसके बाद सिर्फ मेजरमेंट्स होती हैं। तो पहली लाइन अपर इंसाइजर के लिए होती है जो उसकी इंसाइजर टिप से लेके उसकी रूट एपेक्स तक जाएगी, दो पॉइंट्स मार्क कर लें और उनको मिला लें। ये आपकी अपर इंसाइजर की लाइन हो जाएगी, इसको आपने एटलीस्ट एस एन प्लेन तक एक्सटेंड करना। और दूसरी लाइन आपकी लोअर इंसाइजर की होती है, उसकी आप टिप इंसाइजर टिप और रूट एपेक्स टिप को मिला लें तो ये आपकी बन जाएगी लोअर इंसाइजर की लाइन, जो एटलीस्ट मैंडिबल की जो प्लेन है उस तक होनी चाहिए। बस ये दो लाइनें लगानी होती हैं और उसके बाद आपने सिर्फ एंगल्स मेजर करने होते हैं। तो अब इतनी ज़्यादा लाइंस क्योंकि लग जाती हैं यहाँ इस पॉइंट पे आते आते, तो इस एनालिसिस को समझना और थोड़ा सा देखना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसको भी देख लेते हैं कि थोड़ा सा आसान करके देख लेंगे, जो एंगल्स इस पर आसानी से देखे जा सकते हैं वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले आपने अपर इंसाइजर का एस एन प्लेन के साथ ये वाला एंगल फाइंड करना है। इसको हम इस तरह मेजर करेंगे कि यहाँ पर रखेंगे और इसको इस तरह मेजर कर लेंगे। ये आपकी वैल्यू आ रही है, ये उसकी लाइन है, ये है 85 आपकी है अपर इंसाइजर टू एस एन। तो यहाँ जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पे लिख लेते हैं हम इसको 85। तो नॉर्मली आपकी होती है 102 प्लस माइनस 5। इसी तरह आपने इसकी जो इंक्लिनेशन है अपर इंसाइजर की लाइन की वो पैरेलल प्लेन के साथ भी आपने मेजर कर लेनी है, वो ये आ रही है। तो आप इसके पैरेलल रखें, उसको पॉइंट लगा के थोड़ा सा मोटा कर लें ताकि आपको पता चल जाए कहाँ पे है, और उसके बाद आपने ये वाला एंगल फाइंड कर लेना है। तो ये आपका बन रहा है 90, 95। तो ये आपका अपर इंसाइजर टू पैरेलल प्लेन है, ये आपका आ रहा है 95। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 108 प्लस माइनस 5। तो अपर इंसाइजर की इंक्लिनेशन इन दो से आपको पता चलती हैं। अगर ये नॉर्मल वैल्यूज़ के अंदर फॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनकी नॉर्मल इंक्लिनेशन है, ना ये प्रोक्लाइंड है ना ये रेट्रोक्लाइंड है। जितनी वैल्यू इनकी ज़्यादा होगी इसका मतलब है उतना ये प्रोक्लाइंड है अपर इंसाइजर, और जितनी वैल्यू कम होगी उतना ये रेट्रोक्लाइंड है। तो इस केस में ये दोनों वैल्यूज़ ही कम आई हैं, जो पहली वैल्यू अपर इंसाइजर टू एस एन वो इंक्लिनेशन बता रही है क्रैनियल बेस के अकॉर्डिंग, और जो दूसरी अपर इंसाइजर टू पैलेटल प्लेन वो इंक्लिनेशन बता रही है अकॉर्डिंग टू मैक्सिलरी बेस, यानी मैक्सिला के अकॉर्डिंग आपके इंसाइजर की क्या इंक्लिनेशन है। तो दोनों वैल्यूज़ क्योंकि आपकी नॉर्मल से कम है तो इसका मतलब है कि ये रेट्रोक्लाइंड है टूथ आपका। और इसी तरह अब आपने लोअर इंसाइजर की फाइंड कर लेनी है इंक्लिनेशन, वो आपने फाइंड करनी है पैलेट जो मैंडिबुलर प्लेन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका मैंडिबुलर प्लेन है और ये आपका लोअर इंसाइजर की जो आपने लाइन लगाई थी वो है, तो ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। तो इसको रखें, इसके पैरेलल कर लें और ये एंगल फाइंड कर लें। ये आपकी लाइन है, तो ये एंगल आपका आ रहा है 86। इसको कहते हैं इंसाइजर मैंडिबुलर प्लेन एंगल। ये आपका 86 है, ये नॉर्मली 90 प्लस माइनस 5 होता है। तो आपका लोअर इंसाइजर भी थोड़ा सा रेट्रोक्लाइंड है। और उसके बाद आपने एंगल फाइंड करना होता है इंटर इंसाइजल एंगल। तो इंटर इंसाइजल एंगल बेसिकली जो आपने दो इंसाइजर्स की लाइन लगाई है उनके दरमियान का एंगल होता है। जो अपर इंसाइजर की लाइन है वो ये है, लोअर इंसाइजर की लाइन ये है, यहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं तो इन दोनों के दरमियान का ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। इसको समझने के लिए एक दूसरा स्टेप ले लेते हैं, उस पर देख लेते हैं। तो आप फर्ज कर लेंगे ये आपकी अपर इंसाइजर की लाइन थी और ये आपकी लोअर इंसाइजर की लाइन है। तो आपने बेसिकली ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो हम इसको इसके पैरेलल रख लेंगे और ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे जो इसके इसमें आ रहा है 140। तो इस पर दोबारा फाइंड कर लेते हैं क्योंकि वो मैग्नीफाइड इमेज थी तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है एंगल्स का। तो इस सब पे हम उसको दोबारा फाइंड कर लेंगे, तो इस पे भी वो
139 140 ही आ रहा है, तो इंट्रिंसाइजल एंगल आपका है 140, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 135 प्लस माइनस 5। अब जो इंट्रिंसाइजल एंगल है उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जितना ज़्यादा होगा उतने रेट्रोक्लाइंड टीथ हैं, नॉर्मल से जितना ज़्यादा उतने रेट्रोक्लाइंड और नॉर्मल से जितना कम उतने प्रोक्लाइंड। अब उसकी भी जो समझने वाली बात है वो सिंपल सी है कि आपके ये दो बन रहे हैं, एक ये है और एक ये है, आप ऐसे समझ लें, इस तरह रखा जाए इसको, ये आप समझ लेना दोनों के दरमियान का एंगल बन रहा है ये वाला। तो जब अपर इंसाइजर प्रोक्लाइन होगा तो ये इस तरह हो जाएगा और लोअर इंसाइजर प्रोक्लाइन होगा तो ये इस तरह हो जाएगा। तो बेसिकली जो दोनों के दरमियान एंगल है वो छोटा होता जा रहा है, तो जितनी प्रोक्लिनेशन है उतना ही एंगल छोटा होगा। अब ये जितना रेट्रोक्लाइन होगा तो ये इस तरह हो जाएगा और लोअर रेट्रोक्लाइन होगा तो ये इस तरह हो जाएगा, तो सेंटर का जो एंगल है वो बड़ा होता जा रहा है। तो जितनी रेट्रोक्लिनेशन है उतना ही एंगल बड़ा होगा, जितनी प्रोक्लिनेशन है उतना ही एंगल छोटा हो जाएगा। इस केस में आपका ये क्योंकि बड़ा आया है, वैसे तो अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल वैल्यू के अंदर है लेकिन क्योंकि ये बड़ा ही आ रहा है और आपकी जो अपर इंसाइजर की जो वैल्यूज़ आई हैं वो छोटी हैं, तो ये आपको कन्फर्म कर रहा है कि ये रेट्रोक्लिनेशन है टीथ की। जो इंटर इंसाइजल एंगल है वो आपको बेसिकली ये नहीं बता रहा कि किस टीथ की, अपर की या लोअर की रेट्रोक्लिनेशन या प्रोक्लिनेशन है, वो सिर्फ बता रहा है कि दोनों दांतों के रिलेटिवली प्रोक्लाइंड है या रेट्रोक्लाइंड। जो बाकी दो एंगल्स हैं अपर इंसाइजर के लिए पैलेट और एसएन प्लेन के साथ देखना है, लोअर के लिए मैंडिबुलर प्लेन के साथ इम्पा देखना है, तो वो आपको बेसिकली बताएंगे कि दोनों में से कौन सा है जो प्रोक्लाइंड या रेट्रोक्लाइंड है। उसके बाद दो एंगल्स आपके आ जाते हैं अपर इंसाइजर टू एन ए लाइन और लोअर इंसाइजर टू एन बी लाइन एंगल। उसको भी देखने में यहाँ भी सेफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइंस लग गई हैं, तो उसको ये आपकी बेसिकली आ गई है एन ए लाइन और ये आपकी जो अपर इंसाइजर की लाइन है उसको यहाँ पे टच कर रही है, तो आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है बेसिकली। तो आप एक इसके सेंटर में रखें, किसी एक लाइन के पैरेलल कर लें और दूसरी लाइन ढूंढ लें, ये है वो दूसरी लाइन, तो ये एंगल आपका बन रहा है 14, यानी आपका अपर इंसाइजर टू एन ए एंगल जो है ये 14 है। इसी तरह लोअर इंसाइजर का एन बी लाइन से देखना, तो एन बी लाइन आपकी ये वाली आ रही है और ये लोअर इंसाइजर की लाइन को यहाँ पे टच कर रही है, तो आप ये वाला एंगल देख लें, तो एक के पैरेलल कर लें उसको सेंटर में रख के और दूसरे के साथ देख लें, तो ये आपकी आ रही है 24, तो लोअर इंसाइजर टू एन बी एंगल जो है ये 24 है। तो इनकी नॉर्मल वैल्यूज इस तरह होती हैं कि अपर इंसाइजर की 22 प्लस माइनस 5 होती है और लोअर की 25 प्लस माइनस 5 होती है। तो इससे भी ये पता चल रहा है कि जो जितनी कम होगी उतना ये रेट्रोक्लाइंड है, जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रोक्लाइंड है। तो अपर जो है वो आपका रेट्रोक्लाइंड है, लोअर जो है वो आपका नॉर्मल में फॉल कर रहा है। और फिर आपके पास दो लीनियर वैल्यूज़ हैं जिसको कहते हैं अपर इंसाइजर टू एन ए लाइन डिस्टेंस, तो जो आपकी इंसाइजर की टिप है उससे आपने एन ए लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है लीनियरली। तो ये आपकी एन ए लाइन आ रही है ये वाली और ये आपकी टिप है, तो आप इससे सिंपली उसका मेजर कर लें कि कितना डिस्टेंस बन रहा है। तो ये डिस्टेंस आपका आ रहा है 2 मिलीमीटर, तो अपर इंसाइजर टू एन ए डिस्टेंस जो है ये 2 मिलीमीटर है और इसी तरह लोअर इंसाइजर टू एन बी का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, वो भी यही है कि उसकी टिप से लेके एन बी लाइन ये आ रही है, ये वाला डिस्टेंस आपने फाइंड कर लेना है। तो ये एंगल जो डिस्टेंस है आपका है एन बी लाइन यही वाली है, ये आपका 4 या 5 मिलीमीटर है। और इनकी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं 4 मिलीमीटर ईच, तो ये जितना इससे ज़्यादा होगा उतना प्रोक्लाइंड है, जितना उससे कम होगा उतना रेट्रोक्लाइंड है। तो इससे भी ये पता चल रहा है कि अपर जो है वो रेट्रोक्लाइंड है, जो लोअर है वो इस केस में थोड़ा सा प्रोक्लाइंड आ रहा है, लेकिन जो आपने IMPA फाइंड किया था वो इसको रिलेटिवली रेट्रोक्लाइंड बता रहा था, ये था 86 आया था लेकिन वो नॉर्मल रेंज के अंदर था। तो आप ये कह सकते हैं कि लोअर इंसाइजर जो है वो नॉर्मली इंक्लाइंड है, अपर इंसाइजर जो है वो रेट्रोक्लाइंड है। और फाइनली आपकी एक रेशियो होती है लोअर इंसाइजर टू एन बी, लोअर इंसाइजर टू एन बी जितना डिस्टेंस आया उसकी रेशियो है पोगोनियन से एन बी लाइन तक, तो लोअर इंसाइजर टू एन बी आपकी 5 आई है
और पोगोनियन से एन बी लाइन का आप डिस्टेंस निकालना है वो रफली आपका आ रहा है, क्योंकि एन बी और पोगोनियन की लाइन सेम ही है तो हमें पता है कि उसमें 1 मिलीमीटर का ही डिफरेंस हो सकता है मैक्सिमम, यानी पोगोनियन से एन बी की लाइन का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर ही है। तो ये रेशो बन रही है 5:1 और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है आपके पास 1:1, यानी ये आपकी बता रही है बेसिकली जो टुथ की इंक्लिनेशन है उसको चिन की इंक्लिनेशन के साथ बता रही है। तो जितनी ये आपकी होगी यूजली ये मतलब 1:1 होनी चाहिए, यानी दोनों की जो इंक्लिनेशन है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन इस केस में आप देख लें कि चिन उसकी थोड़ी सी रिट्रोडेड है। 5:1 का मतलब है कि इंसाइजर वाली जो पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे है और जो चिन वाला पॉइंट है थोड़ा सा पीछे है। तो इसका बेसिकली मतलब ये बन रहा है कि जो चिन है आपकी वो दांत के रिलेटिवली पीछे है, जो आपको जो सेजिटल एनालिसिस किया था उसमें आपको पता चल गया था कि मैंडिबल जो है वो शॉर्ट है रिट्रोडेड। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर इसकी वैल्यू आ जाए फर्जी तौर पे 1:2, तो इसका मतलब है कि जो चिन है वो प्रोट्रूडेड है दांत की निस्बत। तो ये सारा आपका डेंटल एनालिसिस है और इसके बाद आपने जो डायग्नोसिस बनाना है वो सिंपल ये होगा कि कौन सा दांत प्रोक्लाइंड है या रेट्रोक्लाइंड है या नॉर्मली इनक्लाइंड है, आप ये भी कह सकते हैं। तो इस केस में जो हमने किया इसमें हमने कहना कि अपर इंसाइजर इज रेट्रोक्लाइंड। अगर दोनों आपके प्रो जो हों दांत अपर और लोअर के इंसाइजर दोनों प्रोक्लाइंड हो तो उसको कहते हैं बाइमैक्सिलरी प्रोक्लिनेशन। बस इसमें से ये डायग्नोसिस करना था आपने और लास्ट आपका रह गया सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस।